हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम यूकेजी एंड एलकेजी के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक इंग्लिश की वर्कशीट देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। मैच द अपर केस लेटर टू द लोअर केस, मीन्स जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट लेटर इज बी हेयर, सो वेयर इज बी। अब इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बी इज दिस वन, डी हेयर, E like this, K, R, L and OK. Same यहां भी मैच करना है बच्चों को। इट्स वेरी सिंपल। आप धीरे धीरे करके सारे अल्फाबेट्स उन्हें दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल द मिसिंग वाउल। अब यहां ड्रॉइंग्स की हेल्प से ही वाउल फिल करने हैं स्पेलिंग बनाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ हॉट। सो वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉट? हैट नहीं है ये, एच ए टी नहीं है, हट है। सो एच यू टी, दिस इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट वन इज बॉक्स। सो द स्पेलिंग ऑफ बॉक्स इज बी ओ एक्स, वी पुट ओ हेयर। पिन, पी आई एन, पिन। आई हेयर मैट, एम ए टी मैट। टैप, टी ए पी टैप। सन, एस यू एन सन, लाइक दिस। ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट, जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स आप चाहे तो थ्री लेटर्स के दीजिए, सीबीसी देने वो दीजिए, उनके अलावा भी अगर आपने बच्चों को लर्न कराए उनके सिलेबस में है आप वो दे सकते हैं। फोर लेटर वर्ड भी दे सकते हैं। देखिए, दिस इज डी ओ जी डॉग, एच ई एन हैन, एंड इट इज रैट, टिसन, इस कैट, एंड व्हाट इज इट? मून। इट इज, व्हाट इज इट? हैंड, लाइक दिस। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ए और एम इन द ब्लैंक। तो ए और एन का यूज पहले आपको बच्चों को सिखाना है, उसके बाद ही इस टाइप की वर्कशीट बच्चों को बना के दें। ए और एन पे भी अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहां देखते हैं, जैसा कि हमें पता है वाउल के पहले हम वाउल साउंड के जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम एन यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट वालों में हम ए यूज करते हैं। दिस इज डैश हाउस, तो फोकस कहाँ करना है? हाउस के ऊपर। सो दिस इज अ हाउस। This is dash egg. This is an egg. This is dash umbrella. An umbrella. This is dash cat. A cat. Okay, ऐसे। Next देखिए, cross the odd one. जो अलग है सबसे उसको cross करना है। Cat, dog, rat, mango. So these are animals, but mango is a fruit. So circle it. Chair, table, sofa, tree. These are furniture, but tree is not a furniture. Red, green, blue, apple. Apple is a fruit, but red, green, blue are colors. Name of colors. Use these and this. ठीक है? This for singular one and these for plurals. This and these का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट आप देखिए, प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा है। तो फ्लावर कितने हैं? वन, टू एंड थ्री। सो वी आर यूजिंग दीज, दीज आर फ्लावर्स। डैश इज ए बुक, इट्स ओनली वन। सो दिस इज अ बुक। सी हियर, डैश आर टॉयज, दीज आर टॉयज। Dash are balloons. One, two and three balloons. So these are balloons. Okay? इस टाइप से आपको वर्कशीट जो है वो कंप्लीट करनी है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।